हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज जोन। तो मैं आज एक्चुअली शहर से थोड़ा सा बाहर हूँ, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवमी। जैसे कि बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो एक अंकल ने बोला कि यहाँ पर एक एरोमा रेस्टोरेंट है शक्तिगढ़ में, तो यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो इसलिए मैं आज आ गई हूँ एरोमा रेस्टोरेंट, आप लोग भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो पहले खाना आ जाए, उसके बाद मैं व्यूज ऑब्वियसली आप लोगों को शेयर कर दूंगी। रिव्यू तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ नवमी स्पेशल जो खाना है मेरा। यहाँ पर ट्रेन अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे से ट्रेन जा रहा है। एक्चुअली यहाँ का सीनारियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो लोग नेचर पसंद करते हैं, रेस्टोरेंट तो एक्चुअली बहुत सारा है, बट मैंने इस मतलब खुली हवाओं में मैं फर्स्ट टाइम या रूफ टॉप लंच मैंने किया है, बट नेचर्स की हवाओं में मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली लंच ट्राई करूँगी, वो भी नवमी में। सो चलिए, मैंने ऑर्डर दिया है बहुत कुछ एक्चुअली पूजा के लिए। यहाँ पर मेनू थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर प्राइस की बात करो, अगर आप 5-6 आइटम लोगे तो एटलीस्ट 1000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 1 आइटम लोगे तो ऑब्वियसली आपको 500 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को खाना मिल जाएगा। आप मेन्यू कार्ड का व्यूज मैं ऑब्वियसली पूजा के लिए ऑब्वियसली शेयर कर दूंगी। पूजा के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर शायद मेन्यू चेंज हो सकता है, वो अलग बात है। आप देख सकते हैं कि मैं लंच करने के लिए बैठ चुकी हूँ, सो व्यूज ऑब्वियसली आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पर और क्या मिलता है उसका व्यूज़ भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। पर आप चाहोगे तो आप अंदर भी आप खा सकते हो, बाहर भी आप खा सकते हो। तो अंदर का एटमोसफियर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं आज बाहर बैठी हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं। फाइनली मैंने खाना स्टार्टिंग कर दिया है, तो दिस इज़ कॉल्ड पुलाव। आप देख सकते हैं पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और मैंने लिया है ये सलाद, और इतना खाना मैं ऑब्वियसली मैं अकेला नहीं खा सकती हूँ, तो मेरा कुछ फैमिली मेम्बर भी है, वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी खाना खाएंगे। और ये है चिकन करी, आप देख सकते हैं ये वाला, ये है चिकन करी। और ये है दाल, ये लिया है मैंने, ये है मैंने दाल लिया है, दाल फ्राई। और ये और एक मैंने लिया है, और ये है पनीर कढ़ाई। ये पनीर मुझे बहुत ही पसंद है, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन पनीर। तो मैं खा लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ऑब्वियसली रिव्यू शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं बाहर बैठी हुई हूँ, बट आई थिंक बारिश स्टार्टिंग हो जाए तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो पहले मैं खाना स्टार्टिंग करती हूँ, उसके बाद बाकी का व्यूज शेयर करूँगी। तो चलिए, खाने का टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सा स्पाइसी है, बट नवमी के दिन तो ये सब चलता है। प्रिपरेशन का अच्छा है। शक्तिगढ़ में ऐसा प्रिपरेशन मिलेगा मुझे, आई हैव नो आइडिया। आप लोग स्काई देखकर समझ गए होंगे कि बहुत ज़ोर से बारिश आने वाला है।
बाहर बारिश स्टार्टिंग हो गया है तो मुझे अंदर आना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। मुझे बहुत अच्छा लग रही थी कि मैं बाहर बैठकर लंच करूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं, नेचर में क्या होगा वो तो मुझे पहले से नहीं पता है। बहुत ब्लैक स्काई हो गया था तो इसलिए रेस्टोरेंट का जो वेटर्स है तो बोला कि प्लीज़ मैम अंदर आ जाइए, तो जस्ट बोला और बारिश स्टार्टिंग हो गया है। सो चलिए खाना स्टार्टिंग करते हैं। मैंने यहाँ चिकन पनीर थाली ऑर्डर किया है जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसी प्रॉब्लम है, यहाँ पर डेजर्ट पे एकदम आपको ओनली कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, मसाला कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, बट आइसक्रीम या फिर कुछ मीठे में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने रायता लिया है आज, डेजर्ट नहीं है बट फिर भी एंड में कुछ तो खाना चाहिए तो इसलिए मैंने रायता लिया है। दिस कॉल्ड चिकन, आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली, तो चिकन फ्राई करते हैं उसके बाद एडिंग करेंगे। टेस्ट अच्छा है, बहुत ही साफी है, एकदम भी मतलब हार्ड नहीं है चिकन। सबसे अच्छा मुझे यही रहेगा। अगर आप किसी भी सब्जी को रायता से ट्राई करोगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। ये तो एकदम फुल हो गया है, बट किसी भी तरह मुझे चिकन कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट आइटम था पापड़ जो मुझे बहुत ही पसंद है। फाइनली मेरा आज का लंच ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कि पीछे वेदर एकदम भी अच्छा नहीं है, अब थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो आई थिंक आप लोगों को लंच पसंद आया होगा। एक ही प्रॉब्लम है यहाँ का कि जो खाने का जो प्लेट है बहुत ही बड़ा है। अगर आप मैं तो अकेला इतना सारा खाना नहीं खा पाई, बाकी का जो मेंबर्स था उन लोगों ने भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अगर आप चाहती हो कि आप अकेला खाना खाओगे, जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो लोग के लिए अच्छा है, जो लोग मतलब कम खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। सो एवरेज अच्छा है खाना, बहुत ही अच्छा रायता तो मतलब बढ़िया है, चिकन भी अच्छा था, पनीर थोड़ा सा स्पाइसी था बट ऑल ओवर अच्छा है। थोड़ा सा स्पाइस कम होता तो मुझे एटलीस्ट अच्छा लगता। पुलाव भी अच्छा है। सो चलते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये रेस्टोरेंट के अंदर का व्यूज़ है, ये रेस्टोरेंट का बाहर का कुछ सिनेरियो है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट नेवर फॉरगेट दिस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगी, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।